Assalamu alaikum students, welcome to online classes of Rise and Shine School. I am your math teacher Kiran Murtada of grade 5. Topic number 3, fractions, page number 41, 48, 49, 50, 56 and 60. Topic number 3 hai fractions, lecture number 4, page number 48. स्टूडेंट्स, आज का हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव ये है कि स्टूडेंट इस लेक्चर के इख्तिताम पर आसानी के साथ, जब दो या दो से ज़्यादा उनको फ्रैक्शंस दी हुई होंगी तो आसानी से वो मल्टीप्लाई कर सकते हैं इन फ्रैक्शंस को. टॉपिक नंबर 3, फ्रैक्शंस, क्वेश्चन नंबर 6, सॉल्व द फॉलोइंग रिड्यूस टू द लोएस्ट. यहाँ हम इसको सॉल्व भी करेंगे इन मल्टीप्लीकेशन को, और साथ में हम इसको रिड्यूस करेंगे, यानी इसको हम लोएस्ट टर्म में चेंज भी करेंगे. तो सबसे पहले देखिए क्या है आपके पास क्वेश्चन. इसका ए है 2/3 मल्टीप्लाई बाय 6. पहले हमने क्वेश्चन को इसी तरह लिखा 2/3 मल्टीप्लाई बाय 6. अब से इसके नीचे इसका नंबर नहीं था, यानी इसका डिनोमिनेटर मिसिंग था. तो यहाँ पे हमने सपोज कर लिया वो है 1. अब हम देखेंगे आमने सामने कोई नंबर काट रहा है, यानी 1 के टेबल में 2 आता है. 1 और 2 आपस में नहीं कर सकते, तो अब हम क्या करेंगे, 3 और 6 को चेक करेंगे. 3 1 3 3 2 6. तो इस तरह हमारे पास क्या नंबर पर बचे, 2 2 4, यानी अब हम इनके नोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करेंगे. 2 2 4, 1 1 1. तो इस तरह हमारे पास आंसर आ जाएगा 4. इसी तरह इसका सी पार्ट है आपके पास 10/2 मल्टीप्लाई बाय 2. अब यहाँ पे भी इसका डिनोमिनेटर मिसिंग था, तो हमने यहाँ पे सपोज के लिए वो है 1. अब हम इसको आमने सामने काटेंगे, अगर कट रहा है तो काटना है, अगर नहीं कट रहा होगा तो हमने इसके नोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर देना है, और इसके नीचे वाले नंबर यानी डिनोमिनेटर्स को भी मल्टीप्लाई कर देना है. तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि आमने सामने कोई कट रहा है नंबर, यानी 1 के टेबल में 10 आता है, नहीं आता. 2 के टेबल में 2 आता है, 2 1 2 2 1 2. अब ये मजीद नहीं कर सकता, अब हम इसको आमने सामने मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इनके नोमिनेटर्स को और नीचे वाले के डिनोमिनेटर्स को. 10 1 10 1 1 1. इस तरह आपके पास आंसर आ जाएगा 10. स्टूडेंट्स, आज का होमवर्क है आपका पेज नंबर 48 का क्वेश्चन नंबर 6 में आपने इसका बी ई पार्ट अपनी कॉपी में कंप्लीट करना है. साथ ही आपके स्कोलॉजी की फाइल में आपका ये वाला होमवर्क अटैच होगा, तो आप अपनी कॉपी से ये वाला होमवर्क मैच कर लीजिएगा कि आया आपने ये वाला काम अपनी कॉपी में दुरुस्त किया है कि नहीं.